Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Now today we start activity 3 to understand the action of muscles. हम समझते हैं कि muscles का action क्या होता है. Make a fist with one hand. एक हाथ से fist. Bend your arm. अपने arm को bend करें. At the elbow and touch your shoulder. और अपने shoulder को touch करें with the thumb. अपने अंगूठे से. With your other hand, दूसरे हाथ से see if there is any change in you upper arm. यदि वहाँ पर आप कोई change देखते हैं upper arm में, you will feel a swollen region inside your upper arm. तो आप feel करेंगे, महसूस करेंगे कि वहाँ पे सोजन हो जाती है एक region में आपके upper arm के अंदर. This swollen region is due to a swollen muscle. ये सोलोवेन रीजन होता है क्योंकि सोलोवेन वहाँ पर मसल है. दिस इज ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल. ये होता है मसल के कॉन्ट्रेक्शन के कारण. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. अब लेकर आएँ अपनी नॉर्मल पोजीशन में अपनी आर्म को एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. क्या होता है. यू विल फील दैट स्वेलन मसल इज नो लॉन्गर प्रजेंट. आप फील करेंगे कि स्वेलन मसल अब प्रजेंट नहीं है. इट हैज रिटर्न टू इट्स अर्लियर नॉर्मल पोजिशन. ये अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ गया है. दिस इज ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. ऐसा क्यों हुआ है. ऐसा इसलिए हुआ है कि मसल्स के रिलैक्सेशन के कारण ऐसा हुआ. एक्टिविटी 4 टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ द बाइसेप्स मसल. बाइसेप्स मसल की वर्किंग डेमोन्स्ट्रेट. मेकिंग ए मॉडल ऑफ द आर्म विद ए मसल. तो बनाते हैं एक मॉडल आर्म का मसल के साथ. टेक टू वुडन स्ट्रिप्स ऑफ अबाउट 12 इंच इन लेंथ. दो वुडन स्ट्रिप बनाते हैं 12 इंच इनकी लेंथ है. ज्वाइंट टुगेदर विद ए हिंग. उनको ज्वाइंट करते हैं हिंग के साथ. टेक वन एलोंगेटेड बलून. एक एलोंगेटेड बलून लेते हैं एंड टाई इट्स वन एंड. और इसका एक एंड टाई करते हैं, बांध देते हैं एंड टू वन वुडन स्ट्रिप. एक वुडन स्ट्रिप के साथ एंड द अदर टू द अदर स्ट्रिप. और दूसरा दूसरी स्ट्रिप के साथ. और देट द स्ट्रिप्स फोल्ड ऑफ द हिंग. पुल द स्ट्रिप होल्डिंग वन इन पोजिशन. होल्ड करते हैं पोजिशन में. सी व्हाट हैपेंस. क्या होता है टू द बलून. बलून को लीव द स्ट्रिप फ्री. स्ट्रिप को फ्री छोड़ देते हैं. इट गोज बैक टू इस ओरिजिनल पोजिशन. ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आता है. दिस इज बिकॉज. ऐसा क्यों है. क्योंकि द स्टेज बलून कॉन्ट्रैक्ट्स. जो स्टेज बलून है कॉन्ट्रैक्ट करता है पुलिंग द स्ट्राई स्ट्रिप अप. दिस इज लो मसल वर्क. ये लो मसल का वर्क होता है. मोमेंट ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स कैसे मूव करते हैं. अर्थवॉर्म. द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज सॉफ्ट. जो अर्थवॉर्म होता है उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है. एंड सेगमेंटेड हैविंग नो बोन्स. और सेगमेंटेड होता है, उसके बोन्स नहीं होती. विद इन इट्स बॉडी. इस बॉडी के साथ में देर आर प्रजेंट सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. वहाँ पर प्रजेंट है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. विद इन इट्स बॉडी. इसकी बॉडी के साथ में वॉल देर आर प्रजेंट हार्ड एंड कर्व सेट इन ईच बॉडी सेगमेंट. हार्ड और कर्व स्टेट है प्रत्येक बॉडी सेगमेंट में. These are connected with muscles. जो muscles के साथ connected है. An earthworm move by stretching out its body. Earthworm move करता है अपनी body को stretch करके चलता है. In front keeping the rear portion fixed to the ground. पहले front portion को आगे move करता है फिर और rear portion को fix करके रखता है ground में. Then it fixes the front end. तब वो फिक्स करता है फ्रंट एंड को और रिलीज करता है हिंड एंड. और तब पीछे के हिस्से को रियर एंड को रिलीज करता है. इट देन शॉर्टन द बॉडी. इससे उसकी बॉडी शॉर्ट होती है. एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड. और वो रियर एंड को आगे बढ़ाता है. इट्स मूवमेंट इज वेरी स्लो. इसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है. एंड इट इज ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स बॉडी मसल्स. ऐसा क्यों होता है. क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन होता है बॉडी मसल्स का.
स्टे ऑल्सो हेल्प इन इट्स मूवमेंट, स्टे भी उसकी मूवमेंट करता है चलने में, बाय फिक्सिंग इन द ग्राउंड, इसको फिक्स करने में ग्राउंड में, अलोंग इट्स बॉडी देर आर टाइनी हेयर्स कॉल्ड ब्रिस्टल्स, अलोंग इट्स बॉडी इसकी बॉडी के यहाँ देर आर टाइनी हेयर्स हैं छोटे छोटे कॉल्ड ब्रिस्टल्स, उनको ब्रिस्टल। अर्थवर्म्स आर कॉल्ड ए फार्मर्स फ्रेंड, अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड भी हम कहते हैं। स्नेल, आई स्नेल इज ए राउंडेड स्ट्रक्चर, स्नेल का राउंड स्ट्रक्चर होता है गोल, कॉल्ड द शेल, इसको शेल कहते हैं, द आउटर स्केल्टन, आउटर स्केल्टन को उसकी शेल कहते हैं, बोन्स आर नॉट प्रेजेंट इन स्नेल, कोई बोन्स उसमें स्नेल में नहीं होती हैं, कलेक्ट ए लैंड स्नेल फ्रॉम ए लॉन, लैंड स्नेल कलेक्ट करो लॉन से, प्लेस इट ऑन ए ग्लास प्लेट, तो ग्लास प्लेट पर उसको प्लेस कर, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, यू विल फाइंड दैट द सर्कुलर डोर ओपन, सर्कुलर डोर ओपन होता है, एंड द स्नेल सॉफ्ट थिक फूड कम आउट, और स्नेल के जो सॉफ्ट थिक हैं वो बाहर आते हैं, इट स्टार्ट्स मूविंग, ये स्टार्ट करता है मूविंग करना, इट मूव्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे मूव करती, टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, इसका मूवमेंट ऑब्जर्व करो, लिफ्ट द ग्लास प्लेट विदाउट डिस्टर्बिंग द स्नेल ओवर योर हेड एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द बीनीथ द ग्लास, लिफ्ट करो ग्लास प्लेट को बिना डिस्टर्ब किए स्नेल को उसके हेड से, और ऑब्जर्व करो बीनीथ द ग्लास, ग्लास के नीचे, यू विल फाइंड दैट इट डिपोजिट्स ए लिटिल फ्लूड, तो आप देखोगे कि ये बहुत छोटा थोड़ा सा लिटिल फ्लूड डिपोजिट करती है, एट इट्स फ्रंट एंड एंड वॉक्स स्मूथली, और फिर वो फ्रंट एंड से और वॉक करती है स्मूथली ओवर दिस फ्लूड, इस फ्लूड के कारण, द स्नेल इज ड्रैग अलोंग विद द फुट, तो स्नेल ड्रैग करती है उसके फुट के साथ साथ, एज द शेल कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, क्योंकि उसकी शेल अपने आप मूव नहीं कर सकती है। कॉकरोच, कॉकरोच आर इंसेक्ट विच कम आउट एट नाइट टू फीड, कॉकरोच ऐसे कीड़े होते हैं जो रात को आते हैं खाना खाने के लिए, दे कैन वॉक, वो चल सकते हैं, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, चढ़ सकते हैं और हवा में उड़ सकते हैं, टू पेयर्स ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट, उनमें दो पेयर होते हैं पंख के, ऑल्सो दी थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, उनमें तीन पेयर होते हैं लेग्स के, एज आर प्रेजेंट विच हेल्प इन वॉकिंग, जो उनको चलने में सहायता करते हैं, बोन्स आर नॉट प्रेजेंट, उसमें बोन्स नहीं होती, एंड द बॉडी इज कवर्ड विद ए हार्ड आउटर स्केल्टन, और जो बॉडी होती है वो कवर होती है पूरे हार्ड आउटर स्केल्टन के साथ में, दिस आउटर स्केल्टन इज मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, ये जो आउटर स्केल्टन है वो डिफरेंट यूनिट्स से मिलकर बनता है जो ज्वाइंट होती हैं टुगेदर साथ साथ, एंड दिस परमिट्स मूवमेंट, और ये मूवमेंट को परमिट करने में सहायता करता है। थैंक यू।